इंग्लैंड से वर्ल्ड कप वापस ले लिया जाएगा। 24 घंटे बाद ही इंग्लिश टीम के लिए बहुत बुरी खबर। आईसीसी के सबसे बेहतरीन अंपायर साइमन टॉफिल ने इंग्लैंड की फतह पर सवाल उठा दिया। वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को गलत तौर पर एक अजाफी रन दिया गया। तफसीलात के मुताबिक साबिक इंटरनेशनल और आईसीसी के तारीख के सबसे बेहतरीन अंपायर साइमन टॉफिल का कहना है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को गलत तौर पर एक अजाफी रन दिया गया और यूं गलत तौर पर इंग्लिश टीम चैम्पियन बनी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फाइनल मैच के आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड के फील्डर की थ्रो बैट्समैन बेन स्टोक्स से टकराकर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, जबकि इस दौरान स्टोक्स अपना दूसरा रन मुकम्मल करने के लिए भाग रहे थे। इस पर फील्ड अंपायर धर्मा सिन्हा ने इंग्लिश टीम को 6 रन दिए, जो कि इंग्लैंड की फतह का बुनियादी सबब बने। साइमन टॉफिल का कहना है कि फील्ड अंपायर ने यहाँ पर इंग्लैंड को 6 रन देकर वाजिया गलती की, हालांकि यहाँ पर 5 रन मिलने चाहिए थे, क्योंकि जब गेंद फेंकी गई तो बैट्समैन ने अभी अपना दूसरा रन मुकम्मल नहीं किया था। इस गलती की वजह से बेन स्टोक्स को स्ट्राइक मिली। साइमन टॉफिल ने आईसीसी के कानून की किताब के कानून 19.8 का हवाला देते हुए कहा कि ये एक वाजिया गलती है। यहाँ ये बात वाजिया रहे कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साइमन टॉफिल का शुमार क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन अंपायर्स में होता है। साइमन टॉफिल ने 2004 और 2008 के दौरान लगातार 5 साल तक आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया। साइमन टॉफिल की इस राय और एतराज़ के बाद से संजीदा नोयत की बहस छिड़ चुकी है। कई क्रिकेट माहिरीन यहां तक कह रहे हैं कि आईसीसी को वर्ल्ड कप फाइनल के नतीजे की तब्दीली पर गौर करना चाहिए। इंग्लैंड की फतह नाजायज़ है, हकीकी आलमी चैम्पियन न्यूजीलैंड है। आईसीसी को संजीदगी से इस मामले पर गौर व फिक्र के बाद न्यूजीलैंड को आलमी चैम्पियन करार दे देना चाहिए।